9,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप रखने वाली ये कंपनी है। टेक्सटाइल से ज़्यादा जानी जाती है, बट मैं बता दूँ कंज्यूमर केयर, रियल्टी, इंजीनियरिंग में भी इनका कारोबार है, इन सेगमेंट्स में भी ये प्रेजेंट है। हाल ही में कंपनी ने अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें कही हैं। पिछले 5 क्वार्टर्स में रिकॉर्ड ब्रेकिंग आय और मुनाफे का ऐलान किया है, और आगे किस तरीके का आउटलुक रहेगा ये जानना बेहद ज़रूरी है। क्या ग्रोथ ड्राइवर्स रहेंगे, क्या है एग्जैक्टली बिजनेस प्लान, ये समझते हैं कंपनी के ग्रुप CFO अमित अग्रवाल हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर अग्रवाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद आपने हमें समय दिया। सबसे पहले तो सर, जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन थी वही मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। आपने उसमें कहा और हाईलाइट किया रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इन ऑल 5 क्वार्टर। सबसे बड़ी बात तो सर, ये जो परफॉर्मेंस हमने देखी है, क्या ये सस्टेनेबल होगी, यही मोमेंटम हम कंटिन्यू होते हुए देखेंगे, और क्या खास वजह रही, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया बढ़िया नंबर्स की तरफ? थैंक यू मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। देखिए, 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि रेमंड, जैसा आपने बताया कि ये कई बिजनेसेस में है, लाइफस्टाइल के लिए हम जाने जाते हैं, और लाइफस्टाइल का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है कि इंडिया में अगर आप शादी देखें तो अगर शादियां होंगी तो रेमंड का सूट या रेमंड का कपड़ा जरूर बनवाया जाएगा। तो इसलिए एक तो शादियों का जो हमने वो देखी है इंक्रीज या डिमांड और लोगों की स्पेंडिंग एबिलिटी वो काफी अच्छी देखने को मिली, जिसके कारण हमको ये बहुत अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला। सेकेंड थिंग, हमारा जो एक नया अट्रैक्टिव बिजनेस अभी हमने शुरू किया है रियल एस्टेट का, उसके अंदर भी हमने बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देखी, क्योंकि हमारा माइंडसेट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग माइंडसेट है, टिपिकल रियल एस्टेट डेवलपर का माइंडसेट नहीं है, तो हम एग्जीक्यूट फास्ट करते हैं। और जैसा कि दिसंबर क्वार्टर में हमने करीब करीब 3 टावर out of 10 towers रेरा टाइमलाइन से 2 साल पहले डिलीवरी किया, तो जिसके कारण लोगों के अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ। और अगर आप देखें तो हमारे जो तीनों प्रोजेक्ट्स हैं, जो 2 प्रोजेक्ट हमने पहले लॉन्च किया और 1 प्रोजेक्ट तो अभी 9 दिन पहले लॉन्च किया, उसमें जो बुकिंग देखने को मिल रही है वो ओवरवेलमिंग है। तो हमारे जो फर्स्ट 2 प्रोजेक्ट्स हैं उसमें 75% प्लस बुकिंग हो चुकी है, तो जिसके कारण कि हमको काफी एबिलिटी है इवन प्राइस इंक्रीज करने की और प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करने की। थर्ड, एक बड़ा ड्राइवर जो हमारा है वो है गारमेंट एक्सपोर्ट का। अगर हम गारमेंट एक्सपोर्ट की बात करें तो ग्लोबली हम के कर्व रिकवरी देख रहे हैं, और के कर्व रिकवरी में क्या एडवांटेज देखने को मिलती है कि जिन लोगों के, तो 2 तरह के कंज्यूमर हैं, एक नीड और एक वांट के कंज्यूमर। तो वांट का जो कंज्यूमर है उसके पास एबिलिटी है स्पेंड करने की काफी ज्यादा, तो उसके कारण वो इवन ग्लोबल मार्केट्स में, US में, यूरोप में जो बड़े ब्रांड्स है वो हमसे काफी ज्यादा क्वांटिटी में बाय कर रहे हैं। एक तो उनकी डिमांड अच्छी है उस लेवल में, सेकंड जो चाइना प्लस वन की फिलॉसफी है वो बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, जिसका बड़ा एडवांटेज इंडिया एज अ कंट्री को मिल रहा है। और क्योंकि हम इंटीग्रेटेड एक्सपोर्टर हैं, फैब्रिक भी बनाते हैं, सिल्के भी देते हैं, स्टिच सूट देते हैं, जिसका एडवांटेज हमको मिल रहा है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे सारे सेगमेंट्स में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और हमने एक बहुत बड़ा काम किया था कि कॉस्ट रिडक्शन का एक बड़ा ऐलान किया था कि 400 करोड़ का हमारा सस्टेनेबल कॉस्ट रिडक्शन हमने कर लिया प्री कोविड लेवल से, तो जो कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को काफी इंप्रूव करता है। और ऑब्वियसली जब प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती है तो, और वर्किंग कैपिटल का कंट्रोल करते हैं, तो इसके कारण हम डेट कम कर देते हैं। तो अगर आप देखें तो पिछले 3 साल में हमने करीब करीब 1450 करोड़ का डेट कम करके करीब करीब 900 करोड़ के डेट पे अभी हम हैं, विच इज अ वेरी गुड रेशियो इन टर्म्स ऑफ डेट इक्विटी और डेट टू एबिटा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारा अक्रॉस द सर, आपने बहुत अच्छे से जी बिल्कुल, तो आपने बहुत अच्छे से समझाया कहाँ कहाँ से ग्रोथ आ रही है, क्यों इसकी प्रॉमिसिंग आगे फ्यूचर भी दिख रहा है, और ट्रेंड्स क्या हैं, और किस तरफ ये हाईलाइट कर रहे हैं, यानी कि आपने बहुत ऑप्टिमिस्टिक व्यू दिया है, और आप कह रहे हैं कि ये मेंटेन भी होगा मोमेंटम, क्योंकि इसके कारण ये है कि डिमांड आपकी अच्छी स्ट्रॉन्ग है अक्रॉस डिफरेंट सेगमेंट्स एंड बिजनेसेस। क्लियरली सर, अब मैं एक एक करके आपसे रियल एस्टेट पे पहले फोकस करना चाहूँगी। सर, उस सेगमेंट में तो बहुत बढ़िया ग्रोथ है, टॉप लाइन ग्रोथ विद गुड मार्जिन्स, क्या ट्रेंड्स लग रहे हैं, किस तरीके आगे प्लान्स हैं आपके? थोड़ा सा आज कोई रिपोर्ट सर हम देख रहे थे, कह रहे थे कि अगर हम ट्रेंड देखें रजिस्ट्रेशंस के मुंबई एरिया में, शायद वो थोड़े कम हुए हैं, क्या उसका कुछ असर आप देख रहे हैं ऑन ग्राउंड, और रियल एस्टेट बिजनेस को लेकर आगे
क्या आउटलुक है, प्लान्स हैं, कौन से नए एरियाज़ में आप सेटअप करेंगे, अभी जो आपने ऑलरेडी लॉन्च किए प्रोजेक्ट्स उस पर आपको कितना बढ़िया रिस्पांस मिला, थोड़ा सा विस्तार से हमें बताएं यहाँ पर। बिल्कुल, तो जहाँ तक रियल एस्टेट का सवाल है, देखिए अभी तक हमारा प्राइमरली थाने में ऑपरेशन है। थाने में दो प्रोजेक्ट हमने किया है और फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने 2019 में किया था जिसकी डिलीवरी टाइम 24 थी, हमने 22 में डिलीवर किया 3 टावर आउट ऑफ 10 टावर्स। सेकेंड प्रोजेक्ट जो नवंबर 2021 में लॉन्च किया और अभी एज वी स्पीक टुडे वो 75% उसकी बुकिंग हो चुकी है। तो हमारा दो फोकस बहुत बड़ा है इसके अंदर कि जो पेस ऑफ कंस्ट्रक्शन है बहुत फास्ट होनी चाहिए क्योंकि हमको मनी फास्ट रोटेट होता है क्योंकि कस्टमर जो है वो हमेशा कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान पे रहता है, तो जिसके कारण हमको पेमेंट आता है तो हम अपने सप्लायर को फास्ट पेमेंट करते हैं और सारी अप्रूवल्स बहुत फास्ट करते हैं। सेकेंड थिंग, जहाँ तक ग्रोथ का सवाल है, हमारा जो दूसरा बड़ा ग्रोथ का वेक्टर है वो है जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स, क्योंकि हमने एक हमारे बोर्ड ने एक डिसीशन बनाया है कि हम कोई भी लैंड बाय नहीं करेंगे और दूसरा हम MMR रीजन मुंबई रीजन में ही ऑपरेट करेंगे। तो हमारा जो ग्रोथ का वेक्टर है वो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, हमने एक प्रोजेक्ट वेस्टर्न एक्सप्रेस वे के ऊपर बांद्रा में साइन किया हुआ है जिसकी की अप्रूवल प्रोसेस अभी चल रही है और अप्रूवल होने के बाद वी एक्सपेक्ट इन दिस ईयर टू लॉन्च दैट प्रोजेक्ट। जहां तक अभी थर्ड प्रोजेक्ट हमारे थाने में, वी हैव गॉट ऑलमोस्ट 80 एकड़ डेवलपमेंट जिसमें हम अभी 20 एकड़ में डेवलप कर चुके हैं और थर्ड प्रोजेक्ट है 2 BHK 3 BHK का, वो हमने अभी पिछले 8 दिन पहले लॉन्च किया है और अगर आप बात करें तो उसमें बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला है कि हमको ये सिचुएशन आ गई कि विद इन 8 डेज वी आर इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ दैट सेम अपार्टमेंट by almost 2.5 to 3.5% depending upon the figure configuration. So इस तरीके से अगर आप देखें तो हम काफी satisfied हैं अपने इस real estate की performance. दूसरा जो growth होगा, land हमारे पास अभी भी available है थाने में, हम continue करेंगे वहाँ पर development करना और JDA के through करेंगे और JDA का proposal हमारे को practically right. every day एक proposal आता है but we are very careful, we evaluate हम देख रहे हैं जिस तरह से कंपनी का परफॉर्मेंस रहा बहुत ही रोबस्ट था और आगे भी प्रॉमिसिंग लग रहा है जैसे कि ग्रुप CFO अमित अग्रवाल हमें बता रहे हैं। अमित जी, हम बात कर रहे थे आपकी और डेट रिडक्शन पर, स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर आपको और आपकी कंपनी को बधाई देना चाहूँगी, आपने नेट डेट में भी बहुत ज़बरदस्त रिडक्शन लाया है, क्या यही ट्रेंड आगे कंटिन्यू होगी और क्या नेट डेट लेवल पर आप अचीव करना चाह रहे हैं, क्या टारगेट रखा है फॉर FY24? तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने क्लियर पॉलिसी करीब 1-1.5 साल पहले ही क्लियर बता दी थी मार्केट को कि हम FY25 जब हमारा कंपनी का 100 वर्ष कंप्लीट होगा हमारी सेंटनरी ईयर पे हम नेट डेट फ्री कंपनी रहेंगे, तो ये हम टारगेट लेके चल रहे हैं और इसका क्लियर डिमॉन्स्ट्रेटेड परफॉर्मेंस है। पिछले 3 साल में आप देखिए कंसिस्टेंटली हम डेट रिड्यूस कर रहे हैं और इसके दो इंपॉर्टेंट है रीजन क्या है कि हमने कि एक तो वर्किंग कैपिटल जो साइकिल थी हमारी जो करीब 100 डेज में रिकवर करती थी, वी हैव ब्रॉट इट डाउन टू एनीथिंग बिटवीन 55 टू 60 डेज में, उसके कारण जो कैश का रिलीज हुआ वो हमने सीधा डेट को रिप्लेमेंट किया। सेकंड, हम आगे इसलिए कॉन्फिडेंट है डेट रिडक्शन में, दो बड़ा कारण होता है, एक कैपेक्स, तो हमारा जो भी ग्रोथ स्टोरी है वो कोई कैपेक्स लिंक्ड नहीं है क्योंकि हमारा ब्रांड है और हम ब्रांड को स्ट्रेंथन करके ग्रो कर रहे हैं। दूसरा जो रियल एस्टेट है, क्योंकि हम लैंड बाय नहीं करेंगे तो इसलिए उसमें भी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगा, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा कैपेक्स की कोई बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, जो मेंटेनेंस कैपेक्स है, आईटी के लिए, डिजिटलाइजेशन के लिए कैपेक्स है वो करेंगे। तो हमारी जो ग्रोथ की स्ट्रेटेजी है, जो स्टोर ओपन कर रहे हैं हम, काफी बड़ा स्टोर एक्सपेंशन, अपना डिस्ट्रीब्यूशन रीच को और बड़ा कर रहे हैं, जो हम अगले 3 साल में करीब करीब हम 400 स्टोर खोलेंगे, वो स्टोर का एक्सपेंशन हमारा ज्यादातर फ्रेंचाइजी लेट्स एक्सपेंशन होगा, तो इसलिए हमारा डेट रिडक्शन में फेयर एनफ एक्सपेंशन की एक क्विक
जी जी आपने डेट रिडक्शन की बात की और आपने जो टारगेट रखा है वो आप अचीव करने की बात कर रहे हैं और उस पर आप कह रहे हैं कि इट्स गोइंग एज़ पर प्लान, बट मैं आपसे एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी जानना चाहूँगी क्योंकि आपके अलग अलग बिजनेसेस हैं, टेक्सटाइल की हमने बात की, रियल एस्टेट की बात की, जहाँ तक इंजीनियरिंग बिजनेस की बात है सर, कंज्यूमर केयर की बात है, वहाँ पर किस तरीके का आगे फोकस होगा, अगर आप हमें समराइज़ करके आपके सारे वर्टिकल्स में एक्सपेंशन जो आप करना चाह रहे हैं या उसमें इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और ग्रोथ अकॉर्डिंगली क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक अभी इंजीनियरिंग बिजनेस का सवाल है कि इंजीनियरिंग बिजनेस क्या केटर करता है, ऑलमोस्ट 50% डोमेस्टिक मार्केट को और 50% एक्सपोर्ट मार्केट को। तो हमारे जो कुछ सेक्टर है जैसे इंजीनियरिंग के अंदर फाइल्स की जो डिमांड है सर्टेन मार्केट्स में बिकॉज ऑफ करेंसी इश्यूज, इकोनॉमिक वीकनेस है, उसके कारण वहां पर डिमांड अभी थोड़ी कम देखने को मिल रही है, बट जो डोमेस्टिक मार्केट है वो काफी स्ट्रांग है, तो हम टू एन एक्सटेंट ऑफसेट करते हैं। सेकेंड, जो हमारा इसके अंदर इंजीनियरिंग बिजनेस में ऑटो कंपोनेंट का बिजनेस है, उसके अंदर भी सिमिलरली डोमेस्टिक मार्केट बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है और हम कैपेसिटी भी ग्रो कर रहे हैं। जहां तक एक्सपोर्ट मार्केट का सवाल है, अभी हमने कुछ देखा है जो नए लॉन्चेस थे ऑटोमोबाइल कार के, वो थोड़े से उन्होंने डिफर कर दिए हैं, तो उस मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल रही है। सेकेंड थिंग, फर्स्ट सिक्स मंथ्स में हमने क्या देखा कि जो यूरोप में हमारे एक्सपोर्ट्स थे वो यूरो डिनोमिनेटेड एक्सपोर्ट थे और यूरो जो था वो काफी वीक हो गया था, वापस अभी यूरो स्ट्रेंथन हो गया है, तो उसके कारण हमको कुछ पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इंजीनियरिंग बिजनेस में 50% एक्सपोर्ट होने के कारण थोड़ा सा डिमांड और ओवरऑल ग्रोथ थोड़ी सी चैलेंजिंग दिखती है, बट बिकॉज डोमेस्टिक बहुत स्ट्रांग है इसलिए हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। नाउ अगर हम एफएमसीजी बिजनेस की बात करें तो एफएमसीजी जो हमारे ब्रांड है वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, पार्क एवेन्यू, केएस, कामसूत्रा, वो ब्रांड और हमारी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ बहुत बड़ी है, ये दोनों के ऊपर हम कंफर्टेबली मिड टीन्स में ग्रोथ देख रहे हैं ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स, एवरी ईयर मिड टीन्स केगर का हम ग्रोथ देख, और उसके कारण ऑपरेटिंग बिल्कुल, तो जिस तरह से ग्रोथ आपने बताई है मिड टीन्स की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बिज़नेस पे, और ऑफ कोर्स आपकी व्यू हमने सुना, जहाँ तक इंजीनियरिंग की थोड़ी सी वीकनेस है बट वो आप कह रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट विल यू नो मेक अप फॉर। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और क्विक टेक देने के लिए, आगे नंबर्स और आउटलुक क्या है बिज़नेस को लेकर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, आप बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।